भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज महादेव तालाब के समीप पड़ोसी की पिटाई से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान कुतुबगंज निवासी अरविंद यादव के 5 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजन मृत बच्चे के शव को लेकर बबरगंज थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस वालों से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर मृतक बच्चे के परिजनों ने बताया कि रविवार की सुबह अंकुश शौच के लिए सड़क पर निकला था। इसी दौरान पड़ोसी पप्पू मंडल, गौरव मंडल और सुनीता देवी ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की घटना में अंकुश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजन उसे अलीगंज स्थित एक निजी क्लिनिक ले गए, जहां देर शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के चाचा अर्पित यादव ने बताया कि अंकुश सही तरीके से बोल और सुन नहीं पाता था। बच्चे की मौत के बाद जब आरोपी के घर बोलने पहुंचा, तो सभी ने मिलकर मेरे साथ भी मारपीट कर मेरा सर फोड़कर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। बबरगंज पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। किस वजह से मारा था आपको? हमको मारा है, बोला है कि यहाँ से बच्चा अगर टट्टी करेगा तो तुम लोग को मार के यहाँ से भगा देंगे। तो बच्चा आपस में जो है हक दिया, हम लोग ध्यान नहीं दिए, उसके बाद सोचे कि उसको पखाना उठा के फेंक देंगे बाहर। उसके बाद हम झगड़ा किसी से नहीं करना चाहते हैं, तो वो जो है सवेरे सवेरे हम लोग सुतल थे, गोदाम में कमाते हैं, FCI में, बागवाड़ी में हम लोग कमाते हैं, थकल मलर रहते हैं, लेट हो गया जागने में। वो आया अचानक, वो लात लेके मार दिया, तो मेरा बेटा उसको देखा, मारा उसको, मारा है सवेरे, मारा है 7 बजे लग। अरे आपको कब मारा? हमको 27 तारीख को भी मारा है और आज भी मारा है। 27 तारीख को जो मारा था तो हम दवाई सुइया किए हैं, तो हम इतना ठीक हो गए, हम सोचे कि हम केस मुकदमा नहीं करें। बोलते हैं, बोलता है एगो जादव हो, यहाँ से उखाड़ के भगा देंगे। ये बोलता है, बोलता है पप्पू मंडल बोलता है। 27 तारीख को आप आए थे थाना पर? 27 तारीख को हम थाना पे नहीं आए थे। अभी कहाँ से आए इलाज करा के? हम अभी विजय बाबू कन से आए हैं इलाज करा के। कारण ने पहले हुआ है ना, कारण क्या? हाँ कुछ नहीं, वही बच्चा पेशाब करने लगा, वो जो आया तो वह साड़ी पकड़ लिया, इसका मन में क्या कि मेरा मम्मी है, बस ये जो है कि मैं कह के हटो ना, लात लेकर बोल दिया हटो उधर, बस ये जो है कि गिर गया तो थाना। हाँ उसको बाद भी हुआ और उसको सामने मेरा मारा, पुलिस के सामने मारा। हाँ मारा हमको झटका लिवा के, देखिए पहले यहाँ पक लिया, खून छरबर चल रहा है वहाँ, और पुलिस के सामने मारा। हाँ पुलिस के सामने हम पटका। भागलपुर में अपराधियों द्वारा लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम देना जैसे आम बात हो गई है। आलम यह है कि बेखौफ अपराधी लूट और हत्याकांड को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बनता जा रहा है। दरअसल भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही गोराडी पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इधर मृतक युवक की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी चंदन कुमार के रूप में हुई है, जिसकी पत्नी बीमार होने के कारण पहले से ही मायागंज अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि मृतक चंदन कुमार बीती देर रात अपने घर से पत्नी से मिलने की बात कहकर मायागंज अस्पताल के लिए निकला था, लेकिन रविवार की सुबह गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क किनारे उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि मृतक के सर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस कांड को लेकर कुछ भी कहा जा सकता है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कैसा हो गया, घर गेलो ले खाना ना नहीं ला। अच्छा। अपना मोटरसाइकिल लेकर। अच्छा। लेकिन मोटरसाइकिल लेकर नहीं आए, लेकिन के दोसा स्कॉर्पियो से हमारा पहुँचा थे। अच्छा। तो वह स्कॉर्पियो लेके अले और मारी खूना मना गिरा दिल के, अब केस ले दोस्त हो हमारी नहीं जाने की नाम से चंदो मंडल की दुकान करे ले कहाँ घर पर शंकरपुर में शंकरपुर थाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी
सोमवार को भागलपुर पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश महामंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि बिहार के एक व्यक्ति हैं जो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो चले तो थे विपक्षी एकता वाले गठबंधन का हीरो बनने, लेकिन जीरो बन गए। भाजपा नेता ने कहा कि INDIA गठबंधन की टीम को ही उनके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा और NDA को सत्ता से बेदखल करने का दावा करते हुए विपक्षी गठबंधन की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को आतंक और खुलेआम हत्याकांड को अंजाम देने वाला बिहार बना दिया है, जिससे राज्य की जनता काफ़ी आहत और सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। कि यहाँ के एक व्यक्ति हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, और एक सिनेमा था चला मुरारी हीरो बनने, उसके भी नायक आज पलटू कुमार ही हैं, और ये हीरो बनने चले थे जीरो बन गए। बिहार की जनता ने तो इनको पहचान लिया है, ये अच्छी बात है कि देश की जनता को भी इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, और इंडिया डॉट की टीम है उसको भी इन पर विश्वास नहीं, इसीलिए पूरी तरह ये अपने ही गेम में उलझ गए हैं। और आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 से ज़्यादा सीट जीत करके आएंगे और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। एक बार जब फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, और बिहार फिर से डबल इंजन की सरकार बनते हुए विकास का परचम लहराएगा, और देश में बिहार अग्रणी राज्यों में खड़ा होगा। जिस बिहार को आज आतंक का बिहार नीतीश कुमार ने बना दिया है, मर्डर का बिहार नीतीश कुमार ने बना दिया है, धोखे का बिहार नीतीश कुमार ने बना दिया है, इस बिहार को गौतम बुद्ध का बिहार, जैन का बिहार, ये बिहार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, सीता का बिहार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। नवगछिया पुलिस ने गश्ती के दौरान दो बाइक पर सवार 4 लोगों को संदिग्ध अवस्था में देखकर एक बाइक सवार को रोका, जिसके बाद संदेह के आधार पर ली गई तलाशी के दौरान पुलिस टीम को युवक की कमर से लोडेड देसी पिस्तौल बरामद हुआ है। इसको लेकर नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस गश्ती टीम के द्वारा हथियार और गोली के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान भवानीपुर बलहा निवासी छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत कुमार कुशवाहा और बंसी कुमार के रूप में हुई है। SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि गश्ती के दौरान पुलिस ने 2 बाइक पर जा रहे 4 लोगों को संदिग्ध हालत में देखा, जिसके बाद तलाशी लेने पर एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति को लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। SP ने बताया कि गिरफ्तार बाइक सवार छात्र राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत कुमार कुशवाहा है, जिसे गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया। जयवीर सिंह पीछे खड़े हैं, देख रहे हैं, ये टाउन थाना प्रभारी है, सॉरी टाउन थाना के पदाधिकारी है। ये रात्रि गश्ती क्रम में ये 0 माइल पास पंकज फास्ट फूड दुकान है, उसी के पास 2 मोटरसाइकिल था जो संदिग्ध अवस्था में था, एक तो भाग गया, एक पकड़ा गया, तो सर्च करने पर एक के पास से लोडेड देसी पिस्तौल बरामद हुआ है। जो गिरफ्तार हुआ है वो हेमंत कुमार कुशवाहा है और बंसी कुमार, इन 2 की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से एक लोडेड पिस्तौल, एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल बरामद हुआ है। ये जयवीर सिंह अच्छा इन्होंने काम किया है, दोनों रहने वाले हैं बलहा थाना भवानीपुर जिला भागलपुर रहने वाले, नहीं अभी कोई इसका आपराधिक इतिहास नहीं है, उसे लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तत्काल उपलब्ध नहीं है, हम उसको देख रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है, इसमें इनको भी अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। मेरा नाम इंडी अंसार है, मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज हुआ था, एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं, जिनके द्वारा डायबिटीज जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए, जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज घटता गया,
अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला, इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस्ड न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज गैबीनाथ में रविवार की देर शाम चौक बाजार में एक युवक अपना कटा हुआ बायां हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर घूमता दिखाई दिया, जिसको देखते ही लोगों के बीच गहमा गहमी का माहौल बन गया। वहीं अपने कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ में लेकर घूमते देख लोग दहशत में आ गए और यह दृश्य लोगों में चर्चा का विषय बन गया। इधर इस मामले की जानकारी मिलने पर सुल्तानगंज पुलिस हरकत में आई और युवक को अपनी हिरासत में लेकर इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए युवक को भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं युवक की पहचान बांका जिले के फुलीडी उमर निवासी राधेश्याम यादव के पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। हालांकि बाद में पूछताछ और जांच के बाद पुलिस ने बताया कि युवक का हाथ ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरने से कट गया था, जिसे लेकर वह बदहवास होकर घूम रहा था। जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले जाप छात्र परिषद के प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत और विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा के नेतृत्व में सोमवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ थर्ड 2020-23 सत्र के परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र नेताओं ने परीक्षा नियंत्रक से मिलने का प्रयास किया, लेकिन परीक्षा नियंत्रक ने छात्र नेताओं से मिलने की बजाय अपने PA के द्वारा छात्रों का आवेदन मंगवाने की बात कही, जिस पर आंदोलन कर रहे छात्र नेता उग्र हो गए और कई विभागों को बंद कराना शुरू कर दिया। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर TMBU के कुलानुशासक ने छात्रों के हित में जन अधिकार छात्र परिषद के नेताओं से मिलकर उनकी बात सुनी और उनकी पहल पर परीक्षा नियंत्रक से भी छात्रों की मुलाकात हुई, जिसमें छात्र नेताओं की सारी बातों को सुनने के बाद उनकी इस मांग को कुलपति के समक्ष रखने की बात परीक्षा नियंत्रक ने कही। साथ ही परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि 11 सितंबर तक कुलपति छुट्टी पर हैं, इसलिए तब तक वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुलपति के आते ही इस मुद्दे को कुलपति के समक्ष रखकर तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा। मौके पर अनिकेत, शुभम, प्रियांशु समेत काफी संख्या में छात्र नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। स्नातक पार्ट 3 का परीक्षा तिथि घोषित कर दिया है। अभी हम लोगों का एक दिन भी क्लास नहीं हुआ है। हजारों छात्र आज विश्वविद्यालय पहुंचे थे
कुलपति महोदय अनुपस्थित थे, कई दिन के छुट्टी पर हैं, इसलिए हम लोगों की बातें नहीं हो पाई पूरी। लेकिन परीक्षा नियंत्रक सर ने बताया कि हम आप लोगों की बातों को मानते हैं और परीक्षा तिथि एक माह आगे बढ़ाने का हम लोग आग्रह करेंगे कुलपति महोदय के आने पर। देखिए, हम लोगों की परेशानी ये है कि आज तक किसी भी कॉलेज में एक से दो दिन क्लास हुआ है, उसमें हम लोग साल भर की पढ़ाई कैसे कर लेंगे। पार्ट थर्ड की बुक तीन तीन चार चार बुक होती है केमिस्ट्री में, इतनी मोटी होती है, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। इस बातों को समझ नहीं रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन। भागलपुर में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिले में प्रतिदिन हो रहे लूट, गोलीबारी, हत्या और बमबाजी की घटना से लोग काफी दहशत में हैं। रविवार की रात बबरगंज थाना क्षेत्र के मातारा कॉलोनी में बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं गोली की आवाज से लोग काफी डरे सहमे हुए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फोन के माध्यम से घटना की जानकारी बबरगंज पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने घटना स्थल से एक खोखा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने घटना स्थल के समीप आसपास के घरों में लगे CCTV फुटेज को खंगालने में जुट गई है, जिससे अपराधियों का पता लगाया जा सके। हुआ जो बतलाया कि अभी आधा घंटा पहले वहाँ से दो आवाज़ शुरू हुआ, यानी दक्षिण के तरफ से इस रोड का जो कॉर्नर है, और वहीं से रपेटते हुए एक गोली इस जगह भी फायर हुआ, आगे भी एक गोली फायर हुआ, और इसी पर सारे लोग अपना अपना डेरा में था, सब लोग बाहर आए। तीन चार आदमी मेरे पास भी आए कॉलोनी का, जब तक तो आप लोग पहुँच गए। क्या गोली चली होगी? चार पाँच गोली क्या चलिए। हाँ, कितने लड़के होंगे युवक जो गोली चला? नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो ऊपर से ना आवाज आई है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के 108 शिक्षक शिक्षिकाओं ने BLO के दायित्व से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को सदर SDO सह निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय बंद रहने के कारण सभी BLO ने ईमेल के माध्यम से अपना इस्तीफा दिया है। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक को जबरन रूप से BLO में प्रतिनियुक्त किया गया है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शेखर गुप्ता ने बताया कि BLO गैर शैक्षणिक कार्य है और BLO के रूप में सामान्य रूप से शिक्षक शिक्षिकाओं को ही प्रतिनियुक्त किया जाता है, जो गलत है। मौके पर काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। देवराज आनंद, कन्या महाविद्यालय बरारी, बूथ नंबर 65, लीला दीप नारायण, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र दक्षिण भाग। नाम बताए? देवराज आनंद। नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने सोमवार को जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुरैनी दक्षिणी पंचायत में मेन रोड से कमाल चक तक 2,67,54,842 रुपए की राशि से बनने वाले सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान नाथनगर विधायक ने बलुआ चक पुरैनी पंचायत में मेन रोड से गुनुधाम तक 44,24,429 रुपए की लागत से बनने वाली योजनाओं का भी शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान आम लोगों ने विधायक को फूलमाला, बूके, रंग वस्त्र देकर स्वागत किया। शिलान्यास के दौरान विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने कहा कि पूरे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी और इससे लोगों के आय का साधन भी बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को विस्तार से बताते हुए कहा कि सड़क, नाला, पानी टंकी समेत करोड़ों रुपए की लागत से दर्जनों योजनाओं के अंतर्गत काम किया गया है, जबकि कई योजनाओं पर कार्य जारी है। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कौशल, मरगुल हसन, अरविंद यादव, भोला यादव समेत कई कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।